हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफाई टुगेदर। दोस्तों आज आपको अपने साथ कहाँ लेकर जा रही हूँ मैं? आज आपको लेकर जा रही हूँ सालासर, जो कि राजस्थान में पड़ता है और ये एक धार्मिक स्थल है। वहाँ पर बालाजी हनुमान का मंदिर है और उसके अलावा देखने को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन सिर्फ इसी पर्पज़ से वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं, जो भी प्रार्थनाएँ होती हैं, जो भी मन्नतें होती हैं वो करते हैं। उसके लिए अब हम एंटर कर चुके हैं झुंझुनू में। झुंझुनू जो है राजस्थान के प्रमुख ज़िलों में से एक है और ये टाउन कह सकते हैं आप इसको, बहुत बड़ा सिटी तो नहीं है। एवरेज सा आपको ये टाउन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जैसे दुकानें टाउन के अंदर होती हैं, जैसे फ्रूट्स की फड़ियाँ वगैरह होती हैं, वो सब आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरह के जो द्वार हैं, मतलब जो भी रास्ते हैं, जो भी गलियाँ जा रही हैं, राजस्थान में उस तरह की गलियों के सामने इस तरह के द्वार बनने का बड़ा ही ट्रेंड है। और घर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हैं। ज़मीन राजस्थान स्टेट के पास आप सबको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं है कि हमारी तरह बहुत ज़्यादा कंजेशन है। बहुत खुले खुले और बहुत बड़े बड़े घर इन लोगों के यहाँ पर हैं। और अगर मैं बात करूं कि कितने पोश हैं, तो देखिए इसके आउटर एरिया में जब हम निकलेंगे तो कुछ हमें पोश मकान भी दिखाई दे जाएंगे, कुछ पोश इलाका भी दिखाई दे जाएगा, लेकिन बाकी राजस्थान कुछ ऐसा ही है जैसा अभी आपको दिखाई दे रहा है। पुरानी और पत्थरों से बनी हुई ये दीवारें हैं, देखिए कितनी पुरानी हैं ये, और इनसे इस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती थी पहले। अब तो खैर अभी देखिए एक और नया द्वार अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी तो ईंटों का यूज़ होने लगा है। पहले ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन राजस्थान में चूने और पत्थरों से होती थी। हम झुंझुनू से बाहर निकलने लगे हैं, आउटर एरिया यहाँ का स्टार्ट हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो वहाँ का जनजीवन देखना भी एक बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी मैटर होता है, मेरे लिए तो ख़ास तौर पर होता है, कि कहीं हम चाहे धार्मिक भावना से जाएं, चाहे हम घूमने के पर्पज़ से जाएं। देखिए ये वो पोश एरिया झुंझुनू का आउटर का आ गया है, जहाँ पर कुछ अच्छे मकान आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए मुझे तो ये बहुत ज़रूरी लगता है कि मैं वहाँ के अंदर जो जनजीवन है उसके इनसाइट मैं प्राप्त कर सकूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कहीं भी मैं बाहर जाती हूँ तो। और आप भी इस पूरी यात्रा का आनंद अब मेरे नज़रिए से ही लेने वाले हैं, क्योंकि देखिए जी मैं ही तो ये वीडियो बना रही हूँ, तो डेफिनेटली आपको मेरा ही नज़रिया देखने को मिलेगा। और यहाँ पर खेतों में घर बनाने का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, एक एक घर आपको दूर दूर नज़र आ जाएंगे खेतों में। ये देखिए यहाँ पर जो है सोलर प्लेट्स लगाकर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अरेंज की जाती है उस तरह के घरों में जो बिल्कुल आउटर एरिया में होते हैं। अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं एक ढाबे के नज़दीक और हमारा इरादा यहाँ पर है कि हम रुकेंगे थोड़ी देर और चाय पियेंगे और पानी की बोतल वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है वो हम ले लेंगे। देखिए जी मैं घर से बहुत सारा सामान पैक करके चलती हूँ। अगर आप मेरा पैकिंग व्लॉग देखना चाहते हैं तो वो उसके जो वीडियोस हैं उसका जो लिंक है मैं आपको एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप देख सकते हैं कि घर से चलने से पहले मैं क्या क्या फूड पैक करती हूँ और कैसे मैं अपना मेकअप किट रेडी करती हूँ। वो सब भी आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वो वाले वीडियोस आप देखिएगा। यहाँ पर बड़ा खुला खुला सा एटमोसफियर था, भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन राजस्थान की झलकियाँ आपको यहाँ पर भी नज़र आ जाएंगी। ये दोनों ढाबा और साथ में जो होटल है दोपल, ये दोनों अटैच्ड हैं और यहाँ के जो ऑनर है बहुत ही मिलनसार इंसान थे। उन्होंने हमें कहा कि आप वहाँ हमारा जो बड़ा होटल जो साथ में रेडी हुआ है उसको भी आप विज़िट करें। मतलब इतना खुश हो गए थे ये लोग हमसे मिलकर कि हम व्लॉग बना रहे हैं, तो मतलब उनको बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो देखिए किसी का मन रख लेने में कोई बुराई नहीं होती। बेशक मुझे ये होटल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब फिनिशिंग पे है, बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, तो अपनी कोई चीज़ इंसान जब अच्छी से बनाता है तो बड़ा सबका मन होता है कि हम उसको दिखाएं। थोड़ी सी झलक मैंने आपके लिए भी कैप्चर कर ली है। देखिए कुछ इस तरीके का पार्टीशन अरेंजमेंट यहाँ पर है होटल के अंदर और ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है बेसिकली। और इससे पीछे अगर हम जाएँ तो
पीछे वाला जो बैकयार्ड है गार्डन में कन्वर्ट इन्होंने कर रखा है, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा एरिया है, तो कहीं पर भी आपको खूबसूरती दिखाई दे तो मेरे ख्याल से उसे आंखों में भर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत गार्डन इन्होंने पीछे रेडी किया हुआ है। अब वापस निकलते हैं इससे तो सीटिंग अरेंजमेंट आपको दिख जाएगा। और देखिए बहुत ही इन्होंने अच्छा होटल रेडी किया है, लेकिन हमें तो बाहर ही हमने चाय इन्जॉय की और अब हम निकल गए हैं। सालासर अब एंटर होने वाले हैं। ये द्वार जो है सालासर की मेन एंट्रेंस है। जैसे कि मैंने बताया कि राजस्थान में ऐसे द्वार बहुत सारे आपको मिलेंगे, तो इसके अंदर अब हम एंटर कर लेते हैं। और सालासर अब हम पहुंच गए हैं। सालासर हमारे यहाँ से पहुंचने में लगभग आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं और बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे स्टे करने के लिए, लेकिन मैं धर्मशाला प्रेफर करती हूँ क्योंकि यहाँ पर धर्मशालाएं बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही शानदार हैं, जबकि होटल्स होटल्स की तरह कंजस्टेड ही हैं, जहाँ पर लिफ्ट से आप एक सीधा अपने रूम पे पहुँच जाते हैं और देखने और एक्सपीरियंस करने को आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं क्योंकि धर्मशाला प्रेफर करती हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जहाँ हम रुकते हैं वो कैसी धर्मशाला है और वहाँ का कैसा क्या नज़ारा है। देखिए अब पहुँच गए हैं हम। ये है श्री बालाजी सेवा सदन और धर्मार्थ औषधालय के नाम से धर्मशाला, और इतनी बड़ी है ये, इट्स ह्यूज आई टेल यू, और देखने में इतनी खूबसूरत जैसे आपको लगेगा आप किसी महल के बाहर खड़े हों। राजस्थानी कंस्ट्रक्शन मुझे तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और यहाँ इस खुलेपन और इस प्यारे से एटमॉस्फेयर में तो देखिए मज़ा यहाँ पर रुकने का और भी डबल हो जाने वाला है। तो मैं यहाँ पहले भी रुक चुकी हूँ तो मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ कैसा क्या अरेंजमेंट है और क्या क्या आपको यहाँ आप आए तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में यहाँ आपको रूम मिल जाता है। ये देखिए है ना शानदार, एकदम किसी महल से कम नहीं है यहाँ की धर्मशालाएं। और ज़्यादातर सिटीज़ ने अपनी अलग अलग धर्मशालाएं बना रखी हैं, जैसे हिसार सदन, अम्बाला धर्मशाला, तो इस तरीके से लोग डोनेट करते हैं और यहाँ पर धर्मशालाएं बनाई जाती हैं, वो सब ट्रेंड है। रिसेप्शन एरिया की तरफ अब हम बढ़ रहे थे, और जैसे ही रिसेप्शन पर रूम्स की बातचीत हो रही है तो मैं आपको बाकी का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। ये यहाँ का वेटिंग एरिया देखिए कितना ही खूबसूरत बनाया हुआ है। सामने रूम्स हैं पूरे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी, और ये बस इतनी ही धर्मशाला बनी हुई है, मतलब ये बस दो ही फ्लोर हैं। और ऊपर की जो कवरिंग है वो जैसे मॉल्स के ऊपर फाइबर कवरिंग होती है ना, और बाहर निकलेंगे तो देखिए कितनी ही खूबसूरत ये हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही विशालकाय आपको दिखाई दे जाएगी। ये सामने वाली जो धर्मशाला है उसमें लगी हुई है, लेकिन इसका नज़ारा यहाँ से देखने में भी बड़ा खूबसूरत लगता है। अब हम ऊपर जाने लगे हैं रूम्स देखने के लिए। रूम देखिए कितना शानदार है, एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल बहुत अच्छा मुझे पसंद आया, और होपफुली आपको भी पसंद आएगा। इस तरीके से आपको कबर्ड मिल जाती है, आपको टेबल मिल जाती है, साथ में चेयर्स मिल जाती हैं। ये वॉशरूम आपको दिखा देती हूँ हल्का सा व्यू। वॉशरूम बहुत लग्जरी वॉशरूम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ रीज़नेबली गुड वॉशरूम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये देखिए बाकी रूम का एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा व्यू, और रूम से बाहर कैसा व्यू है वो भी चलिए देख ही लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह है स्टे करने के लिए, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको यहाँ रुकने को मिल सकता है और आप यहाँ रहने का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। अब शाम का समय है, धर्मशाला हमारी मंदिर परिसर से काफ़ी दूर है, तो हम गाड़ी में ही वापस से बैठ गए हैं और गाड़ी को हम पार्क करेंगे मंदिर परिसर के बिल्कुल नज़दीक। पार्किंग अवेलेबल है वहाँ पर। गाड़ी पार्क करने के बाद हम अंदर मंदिर में जाएंगे दर्शन के लिए। मीनवाइल जो आपको रास्ते में जो चीज़ें हैं वो आपको मैं दिखाते हुए चल ही रही हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी धर्मशालाएं यहाँ पर हैं, तो आपको लाइन में दोनों तरफ धर्मशाला ही दिखाई देंगी, और बहुत सारे होटल्स भी बीच में आ जाएंगे। ये देखिए हनुमत धाम के नाम से है ये, और बहुत बड़ी बड़ी है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा एरिया जो है यहाँ पर कवर किया हुआ है इन धर्मशालाओं ने, और बहुत ही अच्छा मतलब सात्विक सा अरेंजमेंट इनके यहाँ होता है। मोस्टली ज़्यादातर धर्मशालाओं में अपने खुद के मंदिर भी होते हैं, तो वो सब भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ।
चलिए मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और इस तरह की कुछ गलियां यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी और यहाँ पर तमाम तरह का प्रसाद आपको मिल जाएगा। आप मखाना लेना चाहें, आप खीर लेना चाहें, लड्डू का प्रसाद, चूरमे वाले लड्डू का प्रसाद जो यहाँ की खासियत है, वो सब तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर दोनों तरफ ही आपको दिखाई दे जाएंगी। चाय वगैरह के लिए खूब सारे अरेंजमेंट्स यहाँ पर हैं और इसके अलावा आप ढाबे भी बहुत हैं छोटे मोटे, जिन पर आप अगर भूख लगी है तो खाना खा सकते हैं। अब यहाँ हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुँचने वाले हैं। देखिए कुछ इस तरह की धर्मशाला फिर आपको एक दिखाई दे जाएगी और यहाँ पर स्ट्रे एनिमल्स बट बहुत ज़्यादा हैं। जैसा धार्मिक स्थल डेवलप होना चाहिए ना, उस हिसाब से इस जगह को डेवलप नहीं किया गया है। जो यहाँ पर नॉर्मल डेवलपमेंट इतने सालों से मैं देख रही हूँ, बस वही है। कोई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं की जा रही यहाँ की जगह की। स्ट्रे एनिमल्स बहुत ज़्यादा हैं, गाय बहुत ज़्यादा घूमती हुई आपको मिल जाएंगी और डॉग्स वगैरह भी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा हमारे, जब हम किसी भी हिंदू धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंटमेंट होती है कि पता नहीं जब लोग इतना सब चढ़ावा चढ़ाते हैं, सब करते हैं, तो फिर थोड़ा सा मेंटेनेंस पर खर्च करने में क्या ही जाता है। देखिए मैं तो सर्वधर्म संभाव में यकीन रखती हूँ और मानती हूँ कि सभी को यही करना चाहिए। कुछ लोगों की भड़काऊ बातों के चक्कर में आकर हमें अपने देश में अमन, शांति और भाईचारे को ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये देखिए अब पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद हम बिल्कुल मंदिर परिसर के नज़दीक आ गए हैं। यहाँ की दुकानें बड़ी इंटरेस्टिंग सी मुझे लगती हैं। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं जो बहुत ही क्यूट क्यूट सी लगती हैं। थोड़ा थोड़ा सा नज़ारा अभी आपको दिखा रही हूँ, बाकी मंदिर में दर्शन करने के बाद वापसी में आपको सारी चीज़ें फिर मैं ढंग से दिखाऊंगी और होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी चीज़ें आपको कई बार मिल जाती हैं। देखिए मैंने कहा था ना, स्ट्रे एनिमल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा मेंटेन इस जगह को ये लोग नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों। और एक दिक्कत मुझे और थोड़ी यहाँ महसूस हो रही है कि यहाँ पर सैनिटेशन की स्मेल बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर सैनिटेशन प्रॉपर काम शायद नहीं कर रहा आजकल। अब मंदिर के अंदर हम एंटर करने लगे हैं। कोई ख़ास बाहर से आपको दिखाई नहीं देगा कुछ भी, सिर्फ दोनों तरफ ऐसे दुकानें हैं और ये गली अंदर जा रही है और ये सीधा आपको मंदिर परिसर के अंदर ले जाएगी। यहाँ से मंदिर परिसर स्टार्ट हो गया है। मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है कि आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करें, लेकिन राजस्थान के जनजीवन की झलक यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये यहाँ के नेटिव लोग हैं जो सुबह शाम आ ही जाते हैं दर्शनों के लिए और बहुत सारे बाहर से भी लोग आते ही रहते हैं। तो अब हम भी अंदर की तरफ चलने लगे हैं। देखिए कुछ इस तरीके से कवरिंग यहाँ पर की हुई है और आप एक पूल में जब एंटर करते हैं तो सीधा वो पूल आपको कहाँ ले जाता है, बिल्कुल बाबा जी की मूर्ति के सामने। बाबा जी यहाँ पर सिर्फ चेहरे के रूप में विराजमान है, मतलब हनुमान जी के बहुत सारे रूप प्रचलित हैं जैसे कि आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जो रूप हनुमान जी का विराजमान है वो सिर्फ चेहरे के रूप में है और वो लाल रंग का, बिल्कुल लाल सिंदूर से उनको चोला चढ़ाया जाता है जो बाद में उतारा जब जाता है तो उसको मस्तिष्क पर लगाने वाले तिलक के समान यूज़ करते हैं। यहाँ से हम दर्शन करके निकल गए हैं और पीछे निकाल दिए गए हैं, मतलब मंदिर परिसर के हम बिल्कुल पीछे पहुंच गए हैं दर्शन करने के बाद। अब यहाँ से वापस हमें फिर से आगे जाना पड़ेगा ताकि मैं मंदिर का बचा हुआ जो पोर्शन है जहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड है, जो मंदिर का प्रांगण है, वो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाना चाहूँगी। और यहाँ बहुत ही शांत सी जगह है ये, वैसे यहाँ पर आना बहुत ही सुकून भरा होता है। और जो अभी आपको ज्वाला दिखाई दे रही थी वो अग्निकुंड था जो यहाँ हर समय हवन होता रहता है। ये पेड़ यहाँ पर बहुत पुराना है और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ चहकती हैं और शाम को जब मंदिर में आरती होती है, घंटियाँ बजती हैं बहुत सारी, तो घंटियों की आवाज़ में मिक्स होती हुई यहाँ पर चिड़ियों की आवाज़ भी आपको बेहद सुकून प्रदान करती है। और यहाँ देखिए ये वो वाला मंदिर परिसर है जहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड थी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स ले ली हैं कि किस तरह का यहाँ पर क्या है।
हर जगह आपको लाल निशान मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये शिलाखंड है कॉर्नर में, इस पर पहले लोग हाथ लगाकर सात परिक्रमा करते थे इसकी, लेकिन कोरोना के बाद से इसको भी पैक कर दिया गया है। बस अब बाहर से सिर्फ आप दर्शन कर सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं। ये देखिए और लेडीज़ आ गई हैं यहाँ पर अब दर्शन के लिए। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर होता है सिस्टम। और अब हम मंदिर से बाहर आ गए हैं और अब मैं आपको यहाँ का जो मार्केट है उसकी झलकियाँ दिखाऊंगी। छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी चीज़ें मिलती हैं, कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन जो दुकानें हैं वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। मैं हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ से बाय करती हूँ। इस बार मुझे इस तरह की एक रिक्वायरमेंट है, इस तरह की एक ओखली और इसकी, तो ये मेरे को अपने वीडियोस के लिए चाहिए होता है, यूट्यूब वीडियोस के लिए। तो इसका मैं अब उनसे प्राइस पूछ रही हूँ और मैंने एक छोटा सा पीस अपने लिए पसंद भी कर लिया है। यहाँ पर तमाम तरह का पूजा का सामान आपको मिल जाता है। ये छोटी सी एक प्लेट मेरे को बड़ी प्यारी लगी, ये भी मैंने पसंद कर ली है। यहाँ पर बहुत सारी तरह की मूर्तियाँ और तमाम तरह का आपको जोत वगैरह, घंटियाँ वगैरह और पूजा से रिलेटेड सामग्री आपको सारी की सारी ही मिल जाती है। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें, मोर पंख आपको मिल जाता है, और गाड़ी के लिए अगर आपको बाबा जी की मूर्ति चाहिए तो वो भी मिल जाती है। तो ये इस तरीके का सामान सामग्री आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ का मेन अट्रैक्शन होता है लेडीज़ आइटम, जैसे कि इयररिंग्स वगैरह, छोटे मोटे पर्स वगैरह, ब्रेसलेट्स वगैरह। बच्चों के लिए इस तरह की खिलौनों की जो दुकानें हैं बहुत ही बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, चाहे क्वालिटी मटेरियल ना हो, लेकिन बच्चों को तो टॉय दिखते ही बस ये हो जाता है कि लेना है लेना है। और लेडीज़ को ज्वेलरी दिखते ही यही हो जाता है कि चलिए कुछ ना कुछ तो ले लिया जाए, यहाँ की निशानी कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पर 25 रुपीज़ में ये ब्रेसलेट्स थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इनमें से भी एक मैंने अपने लिए पसंद कर लिया है। ऊपर इयररिंग्स हैं जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं। बच्चों का स्टेशनरी का सामान भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब वो होता है ना कि उनको हमारी नब्ज़ पता है कि हम सब क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं, तो उसी तरह की वो यहाँ पर रखते हैं। ये देखिए ये सिर्फ 25 रुपीज़ में इन्होंने मुझे दे दिया है, तो ये ब्रेसलेट मुझे काफ़ी पसंद आया था, मैंने ले लिया है। देखिए मैं ये मानती हूँ कि चीज़ें महंगी हों या सस्ती हों इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क बस इस तरीके से पड़ता है कि हम उनको कैरी कैसे करते हैं। कई बार हम बहुत महंगी चीज़ पहन लेते हैं और उसको भी हम कैरी नहीं कर पाते, तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो अब हम आगे आपको दिखा रही हूँ मैं कि किस तरह की, और दूसरी शॉप पर अब हम आ गए हैं। चूड़ियाँ यहाँ की खासियत हैं, लाख की चूड़ियाँ, लाख के कड़े आपको राजस्थान की जो खासियत है, जो यहाँ की पहचान है, जो यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है, वो आपको यहाँ पर देखने को बहुत ही सारी वैरायटी मिल जाएगी। तो मैं जब भी आती हूँ यहाँ से मैं कड़े भी ज़रूर लेती हूँ, बट इस बार जो है मैंने ज़्यादातर ब्रेसलेट्स ही पसंद किए हैं और कड़े मैंने इस बार नहीं लिए हैं। ये देखिए फिर से दुकानों पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये और एक तरीके का ब्रेसलेट मुझे यहाँ पर दिखाई दिया, और ये एक और ब्रेसलेट जो है मैंने अपने लिए पसंद कर लिया है, काफ़ी चौड़ा चौड़ा सा जो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ बाकी सब लेडीज़ आइटम जो सबको पसंद होते हैं वो सब यहाँ पर। देखिए रेट्स इनके बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अपने यहाँ हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि यहाँ पर आपको सब कुछ सस्ता मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो लेकर आना चाहिए भाई, निशानी के तौर पर जब कहीं जाएं। आई तो मेक इट अ पॉइंट कि मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मैं खाली हाथ नहीं आती, कुछ ना कुछ तो मैं बाय कर ही लेती हूँ, और फिर वो निशानियाँ रह जाती हैं कि ये चीज़ मैंने वहाँ से ली थी और ये वहाँ से ली थी। तो बेशक आप बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें, छोटी चीज़ें लें। अब देखिए शाम होते होते हेल्दी खाने का मेरा जो है व्रत टूट गया है और मैंने गोला खा ही लिया। अब दोस्तों आपको दिखाती हूँ कि रात की रोशनी में ये धर्मशाला कैसे दिखाई देती है। मेरा कहना गलत नहीं था, किसी महल से कम दिखाई नहीं देती है, और इतनी नॉमिनल चार्जेस में आप यहाँ रुक सकते हैं और इस माहौल को एंजॉय कर सकते हैं, ये कमाल की बात है। ये देखिए बाहर अब वो जो दूसरी वाली धर्मशाला अंजनी देवी धर्मशाला में लगी हनुमान मूर्ति पर जब लाइट पड़ रही है तो कुछ ऐसा सा नज़ारा क्रिएट हो रहा है। इस मूर्ति के आसपास खड़े होकर लोग बहुत फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं। अंदर से मैं वापस आ गई हूँ अब,
और यहाँ अंदर आपको मैंने बताया था कि सभी धर्मशालाओं में लगभग अंदर भी मंदिर बने होते हैं। यहाँ की डेकोरेशन पर ज़रा नज़र डालिए, कितने प्यारे प्यारे नाइट लैंप यहाँ पर बनाए गए हैं और उनको गमलों के बीच में रखा गया है और जो खूबसूरती को बेइंतहा बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पर दो मंदिर हैं, एक छोटा सा शिवालय है और ये यहाँ का मेन मंदिर है। यहाँ आपको दिखा देती हूँ अंदर से, ये कितना साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन और कितना ब्यूटीफुल मंदिर है। और अब हम यहाँ पास में जाएंगे जो यहाँ पर शिवालय है, जहाँ पर शिव भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है और उस पर आप जल वगैरह चढ़ा सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिव परिवार को स्थापित किया गया है और इधर का नज़ारा देख लीजिए, कुछ ऐसा है। गार्डन है, कितनी सारी डेकोरेशन है, कितनी खूबसूरती है। तो इस खूबसूरती को अपनी आँखों में कैद करके अब हम आगे चल रहे हैं डिनर की तैयारी की तरफ। डिनर करने के लिए अब हम निकल रहे हैं। पूरा दिन से मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया था, घर से ही मैं खाना पैक करके लाई थी, वही मैंने खाया था। और अब हम यहाँ की किचन की तरफ चल पड़े हैं। रात को डिनर का टाइम है और बच्चे यहाँ पर मस्तियाँ करते हुए। किचन एरिया अब आपको यहाँ का दिखा देती हूँ कि किस तरह की धर्मशाला के अंदर किचन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरह का खाना आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए जी, यहाँ पर बहुत ही नीट एंड क्लीन किचन होती है, बहुत ही कमाल का इनका अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि जूते चप्पल बाहर निकालें, तो हम जो है अपने पहले मैं अपने जूतियाँ जो मैंने पहन रखी हैं वो मैं बाहर निकाल देती हूँ और उसके बाद हम अंदर एंटर करेंगे। अंदर देखते हैं, आपको दिखाते हैं। खैर मैं तो देख ही चुकी हूँ पहले भी। देखिए कितना साफ सफाई से और कितना एलिगेंटली इन्होंने किचन को अरेंज किया हुआ है। सामने जो भैया लोग बैठे हैं वो आपको सर्व करते हैं बिल्कुल प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से, वो जो चार कटोरियों वाला डोंगा होता है ना, उसके थ्रू। और ये थाली अब हमारी लग गई है। थाली में आपको दो सब्जियां, एक दाल, रोटी और आपको राइस बाद में ये लोग सर्व करते हैं। मीठे के तौर पर भी आपको खीर वगैरह सर्व की जाती है। पुराने ज़माने की झलक ये छोटी सी पेंटिंग पर मेरी नज़र पड़ी, मन हुआ कि आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए कैसे ट्रेडिशनल तरीके से बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए हैं और छोटे से टेबल पर उन्हें खाना परोसा जा रहा है। लेडीज़ अपने हाथों से खाना परोसती थी। कुछ इसी तरीके का नज़ारा हमारे गुरुकुलों में और हमारे घरों में होता था पहले, उसकी झलक आपको दिख जाएगी। और दोस्तों अब वक्त हो गया है सालासर से निकलने का। अब नेक्स्ट पड़ाव कहाँ का है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी पता चल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।